नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निपात को लेकर के आए हैं, जिस पे प्रायः अब यह जो है हर एक एग्जाम में व्याकरण से संबंधित जो भी आपके एग्जाम है हिंदी व्याकरण से, चाहे वो KVS हो, NVS हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, वहाँ पर प्रायः निपात से रिलेटेड आपके टॉपिक्स पूछे जाने लगे हैं। तो हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, और इसमें जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है निपात, आप जान लीजिए कि यह लगभग हर एक एग्जाम में आता है, और बाकी चीज़ें तो संज्ञा सर्वनाम वगैरह सब पूछा ही जाता है, तो एक शब्द के रूप में लगभग यह हर एक एग्जाम में आ रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करिए। आइए, तो निपात क्या है उसको देखते हैं हम लोग, फिर आगे एग्जाम्पल से उन चीज़ों को मैं बताऊंगा कि निपात कैसे हैं, क्या क्या, कौन कौन मुख्य मुख्य हैं। हाँ, ये आपके संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, समाधान हैं, शंकाएं हैं, उन सब का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं निपात क्या होता है। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर, ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल डाल देते हैं, व्याकरण में निपात कहलाते हैं। यानी वह शब्द जो किसी शब्द के बाद या शब्द समूह के बाद लगकर उस पे विशेष बल प्रदान करते हैं, वो व्याकरण की भाषा में निपात कहलाते हैं। यह किसी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले शब्द हैं। इन निपात शब्दों के प्रयोग करने से वो जो शब्द समूह जिसके बारे में वो निपात शब्द व्यक्त करते हैं, उनके ऊपर बल देने का या निपात शब्द काम करते हैं। लेकिन प्रायः निपात शब्द से लेकर के दो महत्वपूर्ण सूचनाएं या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि क्या ये शब्द का वाक्य का ही हिस्सा है। तो इसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये प्रायः जल्दी नहीं बताया। नंबर 1 क्या कि निपात, ये इसलिए विशेष टॉपिक के अंतर्गत रखा है कि निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो सहायक वाक्य के क्या हैं, सहायक शब्द हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, वाक्य के अंग नहीं होते। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि निपात शुद्ध अव्यय शब्द भी नहीं होते। ये प्रायः जब निपात की परिभाषा दी जाती है तो यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है ऐसे अव्यय शब्द। वास्तव में निपात शब्द अव्यय शब्द की या अविकारी शब्द के ही अंतर्गत आते हैं। तो जो जो कि अविकारी शब्द की मूल आपकी परिस्थितियां हैं कि वह क्या हो, लिंग वचन कारक से प्रभावित ना हो। तो इस सेंस में लिंग वचन और कारक से प्रभावित तो नहीं होते हैं, तो इस सेंस में ये अव्यय शब्द है। लेकिन अव्यय शब्द यानी या अविकारी शब्दों की जो अपने अपनी विशेषताएं हैं, पूरी पूर्णतः विशेषताएं इन निपात शब्दों के ऊपर लागू नहीं होते। क्यों नहीं लागू होते हैं, मैं ये इसके बारे में एक विशेष से, जिसपे लगभग नहीं बताया जाता, तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि यह निपात शुद्ध अव्यय शब्द भी नहीं होते हैं, जबकि अव्यय शब्द की तरह पूरे का पूरा ये व्यवहारित किए जाते हैं या व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे जैसे जैसे आपका कौन कौन है, इसमें से कुछ शब्दों का एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। जैसे ही, या तो क्या ही, मेरी मदद राम को ही करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे शब्द आ गया ना, यानी आपका क्या है, किसी अदर को नहीं, केवल राम को ही मदद करनी पड़ेगी। इसने क्या किया, शेष शब्द समूह पर एक बल प्रदान कर दिया। आगे भी, यह बात बालक भी जानता है। अब यहाँ पर क्या है कि बाकी जो आगे के जो शब्द समूह है उनके बाद ये जो निपात शब्द लगा है, इन इस वाक्य शब्द समूह पर क्या करता है, एक वजन डालने का काम कर रहा है। जैसा कि आपको परिभाषा में मैंने क्या बताया, विशेष बल प्रदान करते हैं या डाल देते हैं। अब आते हैं तीसरे निपात शब्द की तरफ, तक। क्रोध में मुझसे बोला तक नहीं जाता।
बाकी काम तो मैं करता हूँ, जैसे इस शब्द के यहाँ पे अर्थ को देखिएगा कि बाकी काम तो मैं करता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझसे बोला तक नहीं जाता, यानी बाकी शब्दों के ऊपर या जो तक शब्द के आने से इस शब्द के समूह पर एक बल प्रदान करता है, एक वजन डालने का काम करता है कौन, अकेला या निपात शब्द। आगे तो मोहन ने तो हद ही कर दी, तो किसने हद कर दी, मोहन, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हद करने का जो काम है वो किसने किया, मोहन ने कोई ऐसा काम किया होगा कोई व्यक्तिगत रूप से, कि क्या हुआ कि उसने हद ही कर दी। तो यानी इन शब्द समूहों के आगे एक ये भी चीज है, इसमें तीसरा चीज जुड़ता है कि जो इसको पकड़ना इजी होता है कि प्रायः निपात वहां पे आते हैं जब जिस शब्द समूह का वह प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मोहन ने जो शब्द समूह है इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो कर रहा है, तो इसलिए यह आपका निपात की भूमिका में आता है। तो दो तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रायः एक तो यह कौन सा, मतलब यहाँ पे शब्द ही ज्यादातर दे दिए जाते हैं कि इसमें निपात है, तो निपात आपसे सब पूछा जाता है, तो आप ही भी तक, तो आगे आपको बताता हूँ अगले पेज में कि कौन कौन मुख्य मुख्य कैटेगरी है उनकी प्रकार हैं। और दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर एडवांस रूप में, तो कहेगा ये कौन सा प्रकार है आपका निपात का, तो आइए हम लोग आगे इसको देखा जाता है। तो निपात के प्रकार, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निपात के कितने प्रकार हैं, तो मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि निपात की संख्या मुख्यतः कितनी होती है, तो आप कहेंगे मुख्यतः यह 9 प्रकार के होते हैं। अब आइए देखा जाए कौन कौन से हैं आपके शब्द में। एक है आपका आदर बोधक निपात, आपका जहाँ पर जैसे नाम से स्पष्ट है, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जैसे आदर बोधक निपात यानी वह शब्द उनकी विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर क्या है कि आपकी 9 कैटेगरीज बना दी गई हैं और उसी के अनुसार उनका नाम रख दिया गया। जैसे आदर बोधक निपात, जहाँ पर आदर देने का काम हो जिस निपात शब्द के द्वारा, वह क्या है, आदर बोधक निपात है। जैसे जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रायः हम लोग यूज करते हैं कि जी आइए या जाइए, जी जाइए आपका काम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक तरह से आदर देने का काम किया, इसीलिए क्या है ये आदर बोधक निपात है। तो अगर कभी पूछ देता है, एक वाक्य देगा, पूछेगा कौन सा निपात है, तो पहले आपको ये सारे नाम याद करने होंगे, नाम में फिर जो जहाँ पे आपको कैटेगरी उचित पड़ेगी आप उसको चूज कर लीजिएगा। तो आगे आइए, फिर अगला जो आपका है स्वीकार्य बोधक, जहाँ पर वह निपात शब्द जो स्वीकार्य करने का काम करता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने का काम करता है, वह क्या करता है, स्वीकार्य बोधक निपात। जैसे जी हाँ, जी हाँ, ये शब्द क्या है, स्वीकार करने का, हाँ जैसे हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, तो स्वीकार करने का काम है, इसलिए आपका ये आपका स्वीकार्य बोधक निपात है। फिर आगे आपका आता है निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात जहाँ पर स्वीकार्यता को पूरी तरह से निषेध कर दिया जाता है, निषेध माने आपका क्या है, पूरी तरह से मनाही, जैसे मत है ना, तो आप क्या है मोहन, मान लीजिए जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूँ कि मोहन यह काम मत करो, तो मत करो यानी मैंने उस काम को करने के लिए क्या किया, पूरा निषेध कर दिया उसको, है ना, तो इसलिए निषेधात्मक। और जहाँ पर किसी को क्या हो, चौथा कैटेगरी है नकारार्थक निपात, यानी वह जहाँ पर नकार के अर्थ में निपात आए, मनाही करने के अर्थ में, नकारात्मक नाम से भी स्पष्ट है, नकार अर्थक आपका क्या है, यानी जहाँ पर नकार मना करने के सेंस में आए वह क्या है, नकारार्थक निपात। जैसे नहीं, जी जी नहीं, जैसे उदाहरण के रूप में जी नहीं, मैं मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, या जी नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या है नकार करने का बात होता है। दोनों में कभी कभी एक कुछ लोग भ्रम करने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक निषेधात्मक नकारात्मक ही है, लेकिन निषेधात्मक जो निपात होता है वह आप पर क्या करता है, जोर देने का काम ज्यादा करता है, पूरी तरह से निषेध जहाँ पे हो जाए, जैसे मत अक्सर पूछा जाता है मत, तो आपका निषेधात्मक और नकारात्मक में नहीं जी नहीं आती, स्पष्ट है कि आपको यह अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा। आगे पांचवा आपका है प्रश्न बोधक निपात, तो आपका कभी कभी वाक्य के रूप में निपात में जहाँ पे प्रश्न के रूप में भी आपका निपात आ जाते हैं, जैसे क्या
है ना, आगे क्या है न आपका यहाँ पर, तो मान लीजिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं प्रश्न के रूप में पढ़ते हैं, चलो करते हैं ना, तो हम लोग जब कहते हैं तो इस तरह न आपका प्रयोग हो जाता है ना, यहाँ पे न ही होना चाहिए था, वहाँ पे विसर्ग के साथ है, कोई बात नहीं। आगे तुलना बोधक निपात, अब क्या कहते हैं हम लोग तुलना बोधक निपात, जब हम तुलना संबंधी किसी से तुलना करते हैं तो वहां पर कौन सा निपात प्रयोग होता है, सा, जैसे राम सा बहादुर कोई नहीं है, तो अब यहाँ पर किसी की तुलना किया ना अन्य लोगों से, राम की तुलना किया है ना, तो जो आपका क्या है तो सा जैसे आपका तुलना बोधक निपात कहा जाएगा। आगे आते हैं सातवें कैटेगरी में हम लोग आते हैं विस्मयादि बोधक निपात, तो जहां पर विस्मय का भाव प्रकट हो जिस निपात के द्वारा, वह कौन सा निपात होगा, विस्मयादि बोधक, जैसे काश, काश की है ना, काश मैं भी क्या होता मंत्री होता, तो यहाँ पर क्या है एक तरह से विस्मय का प्रकट भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए क्या है विस्मयादि बोधक भाव का। आगे बलदायक या सीमा बोधक निपात, चूंकि हम लोग पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं कि बलदायक ही बल ही प्रदान करता है, तो लेकिन इसलिए चूंकि इसमें भी आठवां जो कैटेगरी है वो बलदायक की है, तो इसलिए क्या है ये नाम बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं होता, ज्यादातर सीमा बोधक निपात के रूप में लिया जाता है, दोनों नाम आते हैं कहीं कहीं। तो आइए देखा जाए, जैसे हमने कहा कि जब किसी चीज का निपात, वह निपात शब्द जब किसी चीज को सीमा में परिधि में बांध दे तो वह निपात कौन सा कहलाता है, सीमा बोधक निपात, जैसे सिर्फ है ना, केवल, तक, ही, तो, पर। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह इसी कैटेगरी से आता है और इन्हीं शब्दों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जैसे सिर्फ, केवल, तक, ही, तो आदि जो शब्द हैं, पर आदि क्या है सीमांकन कराते हैं, पर आपका परिधि निर्धारित करते हैं, सीमा बोध कराते हैं, इसीलिए क्या है सीमा बोध है। जैसे अगर मैं ये कह दूं है ना कि क्या है कि मैंने कहा केवल कक्षा में आपका क्या है राम ही रहेगा, अब मान लीजिए मैंने यहाँ केवल का प्रयोग कर दिया तो केवल सीमांकन करा रहा है शेष की अपेक्षा, तो इसलिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है और प्रायः ये आपके पूछे जाते हैं, नाम बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में मैंने नाम भी आपको बता दिया। आगे अवधारण बोधक, जिनसे क्या हो किसी चीज का अवधारण करने, वह निपात शब्द जो किसी चीज को अवधारण करने का काम करे वह क्या कहलाते हैं, आपका आपका अवधारण बोधक निपात कहलाएंगे, जैसे ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन आदि, ये शब्द क्या है अवधारण बोधक निपात की कैटेगरी में आते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए इतना ही, आपने इस वीडियो में इन चीजों को देखा कि हम लोग आपका निपात क्या है, निपात का अर्थ क्या है, निपात के कुछ एग्जाम्पल को समझा और क्या है निपात के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से हैं और उन प्रकारों के उदाहरण कौन कौन से हैं कि जिनके द्वारा निपात से संबंधित भविष्य में कोई भी आपके एग्जाम्स में आए और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लगा लेंगे। तो और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। केवीएस और एनवीएस नवोदय वगैरह के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें प्रायः निपात शब्द एक दो एग्जाम्पल श्योर रहते हैं। तो आइए हम लोग अगले, अगर आपको हमारे ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।